व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग। अभी के बज रहे सुबह के 6 और हम लोग जा रहे हैं अभी जीरो पॉइंट और होंगथांग वैली। अभी का सीन यह है कि अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। द स्टे वॉज प्रिटी गुड एंड ब्रेकफास्ट करते उसके बाद निकलते। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे एक्चुअली, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था कल हरदमा से आके। सो मस्त कड़क नींद आया एंड कब सो गया कुछ पता ही नहीं चला। और आई होप यू आर एंजॉइंग द एपिसोड्स। लेट मी शो यू द रूम, इट्स प्रिटी गुड, मच रिकमेंडेड। हियर इज द रूम। हम लोग ने दो रूम लिया था, हियर इज द बाथरूम। और पर रूम हम लोग को पर पर्सन 1400 करके लगा है। यहाँ पर पर्सन करके रूम का चार्ज लेते हैं एंड ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर नीचे जाके बात करते हैं। सो गाइस, वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट एंड यहाँ का टेम्परेचर सही है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन लाचेन जैसा नहीं है। और यहाँ का स्पेशलिटी मुझे ये अच्छा लगा कि इन लोगों का घर बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड और एक बात, यहाँ पे अभी भी पंचायत रूल ही चल रहा है एंड आपको देख रहा होगा चारों तरफ फॉग एंड वो पूरा घर। इन लोगों का घर का स्टाइल देखिए, पूरा पुराने स्टाइल का, वुडन स्टाइल वाला जो होता था वैसा ही है। तो अभी हम लोग यहाँ से जैसे ही ड्यू कि अभी हम लोग जीरो पॉइंट और होंगथांग वैली करेंगे एंड हियर इज एवरीवन। और आज मम्मी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, बहुत ज़्यादा ठंड है। सो लेट्स गो, रास्ते में मिलते हैं। लाचुंग, इट इज़ वन ऑफ द यूनिक विलेज विच स्टिल होल्ड्स द old traditional of Sikkimese culture. Lachung is a beautiful mountain village at the elevation of 8,800 feet near Indo-Tibetan border. यहाँ के लोग आज भी ब्लैक एंड वाइट टीवी जैसे मस्त जिंदगी काट रहे हैं। और अगर आप कुछ दिनों के लिए वाईफाई का पासवर्ड भूलकर भागदौड़ और शोर शराब जिंदगी को छोड़ के टाइम टेबल से पीछे जाना चाहते हैं, then this place is the best place to visit. और यहाँ आकर आपको pollution से दूर सिर्फ greenery और पहाड़ों का मज़ा लेना चाहते हैं तो बस backpack कीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाइए। लेकिन हाँ, एक चीज़ suggest करना चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ Airtel और Vodafone काम करता है। और अगर आप मेरी तरह ट्रैवल करते हैं तो एक BSNL सिम ले सकते हैं जो ज़्यादातर रिमोट एरिया पे काम करता है। और इंटरनेट को तो आप कुछ दिन के लिए भूल ही जाइए। सो विद दिस बीइंग सेट, आप नज़ारा एंजॉय कीजिए। और फिर हम लोग रास्ते पे पास चेक करवाया जो कि पहले से सब कुछ रेडी था। और फिर पवन भैया से बात करते करते रास्ते पे हम लोगों को कुछ रेड स्टोन्स देखने को मिला और फिर इसी तरह हम लोग होंगथांग वैली पहुंच गए। सो गाइस, वी आर स्टॉप्ड हियर एट होंगथांग वैली। यहाँ पे अभी कुछ जैकेट शूज़ लेना पड़ता है रेंट पे, बस यहाँ से वो शूज़ लेना पड़ता है और जैकेट्स भी रेंट पे लेना पड़ता है। और ये शॉप पे आप लेके रेंट पे लेते हैं एंड अभी थोड़ा आग भी करते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, ठंड भी है। सो लेट्स गो। सो गाइस, अब देख सकते हैं बाहर पे
पूरा बारिश चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी हम लोग लगभग 13,000 फीट ऊपर पे हैं। सो अब से मिलते हैं। सो यहाँ से आगे है 0 point। सो हम लोग पहले 0 point करेंगे, फिर आते वक्त यमथंग वैली रुकेंगे। सो लेट्स गो। एंड 0 point को 0 point इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है। एंड वैसे इस टाइम पे वहाँ स्नोफॉल नहीं मिलता, लेकिन बोन भैया बोल रहे थे अगर किस्मत अच्छा है तो कभी कभी मिल सकता है, लेकिन हम लोग को जो ठंड मिला है वो स्नोफॉल से भी बढ़कर है, तो आप लोग आगे देख ही सकते हैं। तो गाइज अभी हम लोग हैं 0 point पे एंड आप नज़ारा देख सकते हैं, चारों तरफ बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी लगभग हाई अल्टीट्यूड 15,000 पे है हम लोग और यहाँ पे बात करने लायक कुछ भी नहीं है, आप लोग सिर्फ नज़ारा ही देखिए। इधर का यहाँ से रास्ता ख़त्म, कह सकते हैं इंडिया एंड पॉइंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 0 point। ठंडा आने वाला जो कुछ है सब बोलने लायक कुछ भी नहीं है। आप चारों तरफ देख सकते हैं सिर्फ फॉगी फॉग है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है रास्ता और सामने से एक रास्ता बन रहा है सिर्फ आर्मी लोगों के लिए अलाउ है, जो सीधा जाके गुरुदोंगा लेक पहुँचेंगे। वो अभी नहीं है, सिर्फ आर्मी लोग ही जा सकते हैं, सिविलियंस के अलाउ नहीं है। रोड इज़ कनेक्टेड टू टिबेट, इट्स कॉल्ड टिबेटियन रोड। बाकी गाइस कुछ भी बोले जगह है एंड कुछ बोलने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आप नज़ारा का मजा लीजिए। अभी का टेम्परेचर लगभग माइनस पे चल रहा होगा एंड इट्स लिटरली टू डैम कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा। और अभी जब यहाँ पे पहुँचेंगे कुछ मैगी वैगी खा लीजिए यहाँ पे गरम गरम, कुछ बॉडी पे गरम रहेगा एंड लाइक और ज़्यादा बात करने लाइक नहीं है, सो Let's enjoy. एंड गाइस बाहर पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रहा है। एंड व्हेन एवर विजिट दिस प्लेस, यहाँ पे सामने एक आपको ये वाला दुकान मिलेगा मैगी का, चाय वाय पीने के लिए, और आप लोग यहाँ से ज़रूर खा सकते हैं। और नीचे जाइए क्योंकि खाली पे जाने का बहुत ज़्यादा रिस्क है एंड बहुत ज़्यादा ठंडा है एंड आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस कितना ज़्यादा ठंडा है। एंड ये बहन लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, स्पेशली ये वाला बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। एंड व्हेन एवर यू विजिट, आप लोग यहाँ पे आकर चाय पीजिए, कॉफ़ी लीजिए, मैगी खाइए, सब कुछ खाइए, फिर नीचे जाइए, सही है ना।
अरे नहीं नहीं कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होता, असली ट्विस्ट तो आना बाकी है। अब आपका भाई स्टर्ट जो निकला, वैसे जीरो पॉइंट से योंगथांग वैली जाते वक्त भुवन भैया कह रहे थे, ओह वैसे भुवन भैया को तो आप अब तक सब लोग जान चुके होंगे, तो भैया कुछ कह रहे थे, सर जी माइनस डिग्री पे आके सामने ग्लेशियर्स के बीच पे नहाना चाहेंगे। अब आपका भाई को तो कुछ तूफानी करना था, सो रिक्स ले ही लिया। अब आप आगे देखिए गाइस, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड है एंड पानी 45 डिग्री है, हॉट वाटर है, बाहर पे बहुत ज़्यादा माइनस भी चल रहा है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे नहा रहे पूरा गर्म पानी में, और 45 डिग्री का पानी है ये वाला एंड बाहर पे माइनस चल रहा है। बर्थिंग भुवन भैया 45 डिग्री हॉट स्प्रिंग। Guys, we are entering this moment. गाइज़ वी आर एट योंगथांग वैली और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है दिखने लायक, एक रिवर है उस पर जाके फ़ोटो वोटो क्लिक करना है। सो अभी सब कुछ ऊपर पे ही है जीरो पॉइंट पे एंड यहाँ पे अभी हम लोग जहाँ से ट्रेस लिया था वो अभी रिटर्न कर रहे हैं एंड उसके बाद होटल जाएंगे और होटल पे लंच करेंगे एंड गैंगटॉक के लिए निकल जाएंगे। इट वॉज़ रियली ए नाइस प्लेस, अच्छा लगा बहुत, लाचुंग भी बहुत सही था और लेट्स गो। फिर रास्ते पे हम लोग ने यहाँ के लोकल्स को कुछ लिफ्ट दिया एंड चलते हैं। सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम जीरो योंगथांग वैली एंड जीरो पॉइंट। अभी हम लोग होटल पे कुछ खाएंगे मतलब लंच करेंगे और गैंगटॉक के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ का सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि एंटायर सिक्किम पे कि सब लोग कोरियन पे ही, कोरियन का कल्चर ही मतलब ड्रेसिंग स्टाइल हो या सब कुछ हो कोरियन का ही फॉलो करते हैं, मतलब दिस इज़ रियली प्रीटी गुड एंड दिस विल बी ऑल फ्रॉम हियर। तो मिलते सीधा गैंगटॉक पहुँच के।